how are you? Fine. What about you? All fine. How are you? Very nice, sir. Very nice. मैं सुबह से देख रहा हूँ, दो बार इधर विजिट कर चुका हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या क्या मशीनरीज आपने बनाई है और इनके क्या क्या यूज है, क्योंकि इतना भीड़ आपके यहाँ पर कुछ ज्यादा दिख रही है बाकी लोगों की जगह से। सर हाँ, मैं ना बेसिक जो कोरोना के लाइफ के बाद सबको नेचुरल लाइफ चाहिए, प्रोटीन लाइफ चाहिए, तो हमारा जो बिजनेस है ना वो पूरा नेचुरल एंड प्रोटीन लाइफ पे बेसिस पर, जैसे कि हम डेली लाइफ में ऑयल बनाते हैं, मतलब कि ऑयल मेकिंग मशीन जो हम ऑयल खाते हैं, फिर जो इंग्रेडिएंट्स हम जो हमारे बेटर के मिल में वगैरह लेते, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स जहाँ से आते हैं उसमें सब अभी मिक्सिंग आ रहा है, तो हम नेचुरल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम खुद जो छोटे छोटे मशीन बनाते हैं जो कि कोई भी इंडस्ट्री ऑन कर सकती है। अच्छा, विद इन इजी प्राइस, बहुत लो प्राइस में बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं विद इन मंथ। जैसे कि हम बना रहे हैं कोल्ड ऑयल एक्सपेलर्स बनाते हैं, पल्वराइजर मशीन बनाते हैं, मल्टीपर्पज मशीन बनाते हैं, ऑयल फिल्टर मशीन बनाते हैं, कोल्ड ऑयल वुडन प्रेस भी बनाते हैं, रोटरी प्रेस भी बनाते हैं। तो ये हम बताएंगे क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमारे दर्शकों को बताएंगे ये कौन सा मशीन है। ये अगर किसी को बड़ा मिल डालना हो तो बहुत जगह चाहिए। ये ऐसा मिल है जो कि इन सिंगल टाइम 300 से 400 केजी उसमें क्रशिंग हो जाएगा पर आवर। इसका कैपेसिटी इतना है, इतना कॉम्प्लेक्स है। और हैरानी की बात है कि विलेज में अभी लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चला जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने क्या बनाया है कि रिवर्स सिस्टम किया है। मान लो जब आपका इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो कस्टमर मतलब जो लेबर होता है उसको पूरा गरम निकालना पड़ता था, साफ सुथरा करना पड़ता था, वापस डालने में एक घंटा चला जाता। अच्छा, हमने ये रिवर्स सिस्टम कर दिया। आप यहाँ से रिवर्स करते हो, गरम हमारा उल्टा घूमना लगता है और आप दो मिनट में वापस अपना क्रशिंग शुरू कर सकते। अच्छा, ये इसका सर क्रशिंग पार्ट है जो कि क्या होता है, मतलब कि लोग अभी जो एक्सपेलर यूज कर रहे हैं, क्या होता है अभी के जो जमाने में जो एक्सपेलर यूज कर रहे हैं लोग, उसमें पूरा वर्म मतलब कि बाई चांस कभी 4 साल 5 साल में कोई डैमेज वगैरह आवे तो उसको पूरा वर्म चेंज करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा पैसा चला गया। हमने इसमें पूरा रिंग सिस्टम किया, आपका कोई जो रिंग डैमेज जो है बस वो ही आपको डालना, ताकि कस्टमर सर्टिफिकेशन रहे, ये हमारी जो हमने जो फैसिलिटी प्रोवाइड की। कैमरामैन थोड़ा आप इसको दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। वेरी नाइस। और ये हम ही खुद ही एक भी बॉल जो है वो भी हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते पूरा मशीन। ओके, वेरी नाइस। और ये जो हमारी इंडस्ट्री है वो डिस्ट अमरेली और राजूला सिटी में, आप चाहे तो विजिट भी कर सकते हो और कॉन्टेक्ट नंबर तो हम डिस्प्ले पे आपको अवेलेबल करते हैं। मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, बट एक एक करके थोड़ा ब्रीफ करते चले जाइए। ये अपना ब्रांडिंग करना हो, पैकेजिंग करना हो खुद का, तो ऑयल फिल्टर का बड़ा प्लान लेने में बहुत पैसा खर्च होता है। ओके, ये पूर्वजों का मान रखकर और जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसके साथ चलकर हमने फिल्टर बनाया। हमारे पास सर 12x12 से लेके 24x24 का साइज अवेलेबल है। इसको ऐसा लग रहा है कि पूरा कॉम्पैक्ट सा बनाया है आपने, शॉर्ट प्लेस में हमारे कोई भी मशीन सर शॉर्ट प्लेस में आ जाएंगे और पूरे एक्सेसरीज के साथ आएंगे, जैसे पंप मोटर वाल टैप सब साथ में आ जाएगा। और बढ़िया बात यह है कि जो अभी ऑयल फिल्टर यूज कर रहे हैं वो पूरे MS प्लेट में है। ओके, जिसकी वजह से बहुत टाइम बचता है और आज का जमाना ऐसा किसी के पास टाइम नहीं है, तो हमने ये पूरा PP प्लेट में बनाया है। वेरी नाइस। जिससे लेबर को भी सर्टिफिकेशन मिले, हमारे कस्टमर का टाइम भी बचे। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये फूड ग्रेड है, फुली फूड ग्रेड है। इसमें फूड ग्रेड का सर्टिफिकेट आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये मशीन अगर आपको परचेस करना है तो गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करेगी, जैसे कि आपको सब्सिडी मिल जाएगी, लोन भी मिल जाएगी। अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं? जी, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हम टोटल 50 प्रोडक्ट बनाते हैं। काफी सारे मॉडल्स आपने बनाए हैं और हम जी इसका जो कैपेसिटी हो 300 से 400 केजी। अभी अपने एरिया में हमको मशीन डालना है और कैपेसिटी कम चाहिए तो ये हमने बनाया हुआ है। इसका कैपेसिटी है 15, मतलब इसका जो कैपेसिटी है 130 से 150 केजी पर ओवर। ओके, वेरी नाइस। और पूरा पैनल बोर्ड सिस्टम और एकदम हैवी ड्यूटी में पूरा मॉडल बनाया। अच्छा, ये आप बता सकते हैं इस मशीन को चलाने के लिए कितने मैन पावर लगते हैं? सर एक ही सिर्फ फिंगर्स, यहाँ पर ये जो 3-phase लाइन है। अच्छा, एक बार ले लो बस और कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये जो है वो आपका पावर कंजप्शन भी बचाएगा। और इसका मेंटेनेंस क्या है? जीरो मेंटेनेंस है सर, 4 से 5 साल आपको इंडस्ट्री में फोन ही नहीं करना।
4-5 साल बाद बाई चांस आपका कोई डैमेज हुआ है तो अपना रिंग हो, वो जो रिंग है बस वो एक ही आपको चेंज करना है। अच्छा ओके, आपने मशीन तो बहुत ही अच्छी बनाई है, बड़ी काफी कॉम्पैक्ट है और हाई प्रोडक्ट है, सारे हेवी बना है। कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं होगा पूरे मशीन में कि जिसमें पतला हो या फिर एकदम जानी नहीं दिया कंपनी। कंपनी ने एक एक कोने में पूरा हेवी ड्यूटी वाला मॉडल। अच्छा जकी भाई ये बताइए आप, ये मशीन तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये तो पूरा स्टेनलेस स्टील लग रहा है, पूरा SS304 है, कहीं पे भी लेबोरेटरी करवा रहा हूँ, इसका जो पूरा मटेरियल है वो पूरा SS304 है। ओके। और ये सबसे ज्यादा सेलिंग मॉडल है हमारा, क्यों पता है? ओके। ये सिंगल फेज 3 HP होम इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। वेरी नाइस वेरी नाइस। कोई भी मतलब कि जो विलेज में मशीन चलते है वो सबको दिक्कत आ रही है अभी। ओके। ये मशीन जो है वो पूरे मतलब कि कोई भी विलेज में या फिर कोई भी एरिया में, कॉमर्शियल एरिया में भी इसे यूज कर सकते। और खास बात इसकी ये है मेन फीचर कि ये व्हील वाला है, इजी टू मूवेबल, कहीं भी शॉर्ट ब्लेस लेता है, प्लस इजी टू मूवेबल, कहीं भी आप इजी से मूव कर सकते। और इसका कैपेसिटी भी 20-40 kg पर आवर, 20-40 kg पर आवर, सिंगल फेज में चाहिए होम इलेक्ट्रिसिटी। और साथ में हम आपको क्रॉम्पटन ग्रिज का इलेक्ट्रिक मोटर भी प्रोवाइड करेंगे। अरे वेरी नाइस। पूरा पैनल बोर्ड के साथ की ये मशीन कितना एम्पियर ले रहा है, कितना हीटिंग ले रहा है, कितना वोल्ट मीटर रह रहा है, सब चीज हम साथ में इंक्लूड करते हैं। कैमरामैन यहाँ दिखाइए, इन्होंने बड़े बड़े खूबसूरती से इसको उतारा है, एम्बोस्ड किया है, और ये शायद कॉन्टेक्ट नंबर है आपके सेल्स के। वेरी नाइस वेरी नाइस। ऑयल है वो पूरा कोल्ड ऑयल निकलेगा। अच्छा ओके। और 40-45 degrees टेम्परेचर के अंदर नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है उसी हिसाब से ये उसका ऑयल निकलेगा। वेरी नाइस। अच्छा ये जकी भाई वो मशीन और ये सेम टू सेम दिख रहा है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें अगर आपको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए तो हम 3 phase में 7.5 HP का भी बना दो, वो भी पूरा स्टेनलेस स्टील 304 मटेरियल यूज करके। ओके। और सबसे मेन बात इसमें भी ये है कि हमने इसमें भी व्हील सिस्टम दे दी। अच्छा। कोई लेडीज और कोई भी इसे आसानी से यूज कर सकता है। ये भी पूरा खूबसूरती से आपने स्टेनलेस स्टील में बनाया हुआ है, पूरा जितना भी मटेरियल इसमें यूज हुआ है पूरा SS304 फुल्ली फूड ग्रेड के साथ हमने बनाया हुआ है। काफी सारे इसमें आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, हमने इतने फीचर्स डाले हुए हैं कि 12 से 13 साल का लड़का भी इसे आराम से ऑपरेट कर सकता है। ओके ओके। इसमें सेफ्टी के लिए, सेफ्टी सिस्टम के लिए अभी जो एक्सपिलर आते हैं वो जो उसमें मोटर घूमती है। अच्छा। तो उसमें किसी कई अभी इंजरीज की हमें खबर आ रही है कि कई लोग की इंजरीज होते। अच्छा। हमने स्पेशल इसमें गार्ड MS का डलवाया, फुल्ली हेवी ड्यूटी गार्ड आता है। वेरी नाइस। और एकदम फुल्ली फूड ग्रेड। और ये हैरानी की बात की ये भी हम खुद हाथ से मैन्युफैक्चरिंग, आपने मेक इन इंडिया जी, हमारे सब मशीन में कहीं ना कहीं जगह पे मेक इन इंडिया लिखाया हुआ, ताकि जो हमारा देश है उसका नाम भी हम आगे साथ में बढ़ाना चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।